अब बारी है चैप्टर नंबर तीन की दूसरी कहानी के बारे में वेरी एक्साइटिंग वेरी मिस्टीरियस कहानी इफ यू रिमेंबर द ब्लैक एरोप्लेन क्वेश्चन नंबर वन ये रहा आपके सामने आई टेक द रिस्क वॉट इज द रिस्क वाई नरेटर टेक इट वो जर्नी करने वाला था तो जर्नी करने वाला था तो दो जगह के बीच में करेगा मैंने बार बार बोला है कि कोई भी चैप्टर को डील करने समय जब भी हम लोग किसी जगह के नाम किसी इंसान के नाम या कोई इंपॉर्टेंट डेट्स या कोई तीन चीजें आती है तो उसे एकदम अंडरलाइन कर लेना हाईलाइट कर लेना क्योंकि इस क्वेश्चन में वही चीजें यूज होने वाली है आंसर द पायलट टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग थ्रू हार्श वेदर हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है बट वी हैव टू एलैबरेट मार्क्स कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा है उस पर नजर हमेशा गढ़ाई रखनी है यहां पे वर्ड पायलट यूज किया है इसकी जगह हम नरेटर भी यूज कर सकते हैं

क्रिसमस विथ हिस्स फैमिली सो वाई डिड इेक द रिस्कर्ड आपके सामने है रिस्क बिकॉज ही वॉज एक्साइटेड टू फ्लाईटो एरोप्लेन ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था टू सेलिब्रेट क्रिसमस विथ हिस्स फैमिली तो क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर है हार्श वेदर में पायलट ने रिस्क लिया प्लेन उड़ाने का क्योंकि उसे सेलिब्रेट करना था क्रिसमस अपने फैमिली के साथ जो कि इंग्लैंड में थी की वर्ड है बाकी सारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत जरूरी है डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स दैट दैट आर असाइंड विल बी असाइंड इफ दिस क्वेश्चन इज आज क्वेश्चन नंबर टू डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ई फ्लू द्लेन इन टू द स्टॉम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि जब स्टॉम के अंदर एंटर कर गया नरेटर अपने डकोटा एरोप्लेन के साथ तो उसकी फीलिंग्स उसके एक्सपीरियंसेस क्या थे आंसर, पायलट टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग फ्लू इन टू द स्टॉम हिज surroundings टर्न कंप्लीटली ब्लैक तो पूरा काला छा गया की वर्ड आ चुका है अलॉन्ग विथ अदर devices लाइक like रेडियो his कंपस ऑल्सो स्टॉप्ड वर्किंग सो बैड सिचुएशन वॉज मेड वर्स बिकॉज उसके इक्विपमेंट भी काम करना बंद कर चुके थे अब बिना इक्विपमेंट के ही वॉज फ्लाइंग ब्लाइंड थ्रू द डार्क स्काई एंड ए टर्न राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड तो बेसिकली वहां पर विंड का भी असर उसके एरोप्लेन पर देखने लगा था तो मतलब जानलेवा हो चुकी थी स्थिति तो यहां पर हमने ये सारे वर्ड क्यों यूज किए सीरियसनेस बनाने के लिए सीरियसनेस बताने के लिए सिचुएशन की he felt his end was near.

वाइट ड नारीटर से आई लैंड एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा बेसिकली यहाँ पे हमें फीलिंग समझनी पड़ी थी भैया थैन गॉड में लैंड कर गया और मेरा जो फेवरेट डकोटा प्लेन था ना उससे दूर चलने में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं थी क्यों अरे भैया लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट अभी भी आया है डकोटा प्लेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुद की जान कॉमन सेंस अब आंसर को ध्यान में रखते हैं यही सारे छोटा सा जो थीम मैंने आपको बताया उसको ध्यान में रखते हुए आंसर

ही वॉज डिलाइटेड टू बी आउट ऑफ द स्टॉप एंड सेफली लैंड एंड हिंस वॉज नॉट सैड अबाउट मूविंग अवे फ्रॉम दी ओल्ड प्लेन अरे भैया इतने ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन से बंदा निकल के आया है तो वो किस चीज़ पर ध्यान देगा अपने प्लेन के ऊपर कि अपनी जान के ऊपर कॉमन सेंस का आंसर है पिछले दोनों जो आंसर हम लोगों ने देखे थे उनका मिक्स्ड रहे आंसर एंड फाइनली इस आंसर को ध्यान रखते हुए हमने लास्ट लाइन लिख दी एंड के बाद एंड हिंस वॉज नॉट सैड अबाउट मूविंग अवे फ्रॉम दी ओल्ड प्लेन तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए आंसर को रटने पे नहीं ये प्रूफ है उस चीज का क्वेश्चन नंबर फोर ये रहा आपके सामने वॉट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली आखिरी आखिरी में कुछ होता है स्टोरी में उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा पर मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि बाद में जब नरेटर लैंड कर जाता है इंग्लैंड में तो वो जाता है ए की वहाँ पर जो ऑपरेटर होती हैं महिला उनके पास ए मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के वहाँ पर ऑपरेटर जो होती हैं लेडी उनके पास बोलती है कि वो दूसरा प्लेन कहाँ है जिसने मेरे को गाइड किया आपको पता है तो लेडी होती है

फर्स्ट हाफ में हमने भूमिका बनाई फाउंडेशन बनाई क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई क्योंकि ब्लैक एरोप्लेन इज द मिस्टीरियस वही पूरी मिस्ट्री है इस कहानी की इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी क्वेश्चन के साथ सज्जन और देवियों वी आर डन विद चैप्टर नंबर थ्री के इंपॉर्टेंट क्यू एन एज रिमेंबर जाते जाते एक और चीज जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर अ जेंटल रिमाइंडर कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रासप रखना जरूरी है उसके लिए समरी वीडियोस में सारी चीजें हैं जिससे आपको किसी भी चैप्टर की कोर थीम्स क्लियर हो जाएंगी यहां पे हमें बार बार याद रखना है कि हर एक आंसर में वही पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज होती हैं है टू द चैप्टर द क्वेश्चन आर आज फ्रॉम बट उसके लिए हमें एक जनरल थीम के आइडिया होना जरूरी है फिक्शन के लिए थोड़ा अलग होगा एंड हिस्टोरिकल इवेंट जैसे मंडेला वाला चैप्टर जो है उसके लिए थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होगा सो नेम्स ऑफ प्लेसिस नेम्स ऑफ पीपल एंड इंपॉर्टेंट ईयर्स ये हमने कवर कर लिया हर चैप्टर में तो हमें कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लाने से हाँ ग्रामर सही होना जरूरी है बिकॉज क्रिएटिव राइटिंग इज नॉट ओनली अबाउट फैंसी वर्ड्स